हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये कैसे ग्रेनियन, थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर होता है एज ऑब्जेक्टिव। ये मैंने बनाया हुआ है ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव है एक पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर, जबकि उसमें सिर्फ कॉनकेव मिरर था न्यूटोनियन में, कॉनकेव मिरर। और ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है। तो आपसे पूछेंगे कि ये पैराबोलाइडल क्यों होता है, तो पैराबोलाइडल होने से एक डिफेक्ट होता है जिसको कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन, वो नहीं आता इस टेलीस्कोप में। तो ये ऑब्जेक्टिव, और इसके बीच में यहाँ कहीं पोल के पास एक छोटा सा होल होता है। हम लिखेंगे कंसिस्ट एन ऑब्जेक्टिव विच इज पैराबोलिक कॉनकेव मिरर विद अ होल एट इट्स सेंटर। ये जो बनाया है मैंने मिरर, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। सामने से देखने पर ये मिरर ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो सेंटर में यहाँ कहीं एक छोटा सा होल होता है, तो ये होल हम यहाँ शो कर देंगे। ये हो गया वो होल, यहाँ कहीं यहाँ होल शो कर देंगे। और ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सेस, और प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आती होंगी रेज जो इन्फिनिटी से आएंगी, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज आपस में पैरेलल। और ये यहाँ कहीं फोकस हो जाएंगी। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज बनता है फोकस पर। तो यहाँ कहीं ये कन्वर्ज हो जाएंगी, कहाँ पर, इस मिरर के फोकस पर। ये मैंने ब्रोकन लाइन से जानबूझकर बनाया है, क्योंकि मुझे एक और यहाँ पर मिरर रखना है जिसको कहते हैं सेकेंडरी मिरर, जो कॉनवेक्स मिरर होता है। तो इन रेस को जो इन्फिनिटी से आकर इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उन रिफ्लेक्टेड रेज को हमें इंटरसेप्ट कर देना है। इससे एक कॉनवेक्स मिरर से, ये कॉनवेक्स मिरर बीच में मैंने रख दिया, ये कॉनवेक्स मिरर कहलाता है सेकेंडरी मिरर। ये है सेकेंडरी मिरर। तो सेकेंडरी मिरर क्या करता है, सेकेंडरी मिरर इंटरसेप्ट्स द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव बिफोर दे कन्वर्ज एट फोकस। फोकस पर कन्वर्ज होने के पहले ये इनको कर देता है इंटरसेप्ट। ये फिर रेज यहाँ कन्वर्ज हो नहीं पाती। और होता क्या है, होता यह है कि कॉनकेव मिरर की जो इमेज है, ये एक्चुअली इमेज है किसकी, कॉनकेव मिरर ने इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनाई, और ये इमेज इस मिरर के लिए करती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। और ये मिरर रेस को रिफ्लेक्ट करके यहाँ कहीं पोल के पास में उसकी फाइनल इमेज फॉर्म कर देता है। और इस फाइनल इमेज को फिर हम यहाँ आईपीस लगा कर देख लेते हैं। इस तरह से ये रेस हमको यहाँ मिली, यहाँ आँख रख कर इसे देखा जा सकता है। तो ये इसका रे डायग्राम। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, यदि कभी ज़रूरत पड़ती है, इसके फॉर्मूले बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूलों जैसे हैं। मतलब जब हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर LDDV के केस में निकाल रहे होते हैं, तो ये होती है FO/FE इंटू 1+FE/D। ये LDDV वाले केस में, बस यहाँ माइनस नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फाइनल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है इसलिए। और एक होगा M∞, और M∞ हो जाएगा FO/FE के बराबर। तो इसके फॉर्मूले डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखें कभी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे ग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। वेरी थैंक्स।